रोज़ सुबह मेरी मम्मी मेरे से पहले उठकर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं और उसके बाद मेरे को उठाती हैं, फिर मैं रेडी होता हूँ स्कूल जाने के लिए, उसके बाद मैं अपना लंच बॉक्स टिफ़िन अपने बैग में रखता हूँ और उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल चला जाता हूँ। और फिर स्कूल से दोपहर में घर आने के बाद मेरी मम्मी लंच रेडी करती है और ऐसे ही कर करके रात होती है, डिनर बनाती है और ऐसे करके पूरा दिन बीत जाता है। बचपन से लेकर अभी तक मेरी मम्मी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसका मैं थैंक यू कैसे करूँ वो मैं खुद भी नहीं जानता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मदर्स डे आज कुछ स्पेशल करता हूँ मम्मी के लिए। तो मम्मी हर रोज़ करती है, तो आज मैं सोचता हूँ मैं मदर्स डे में मॉर्निंग में उनसे उठने से पहले मैं सारा काम कर देता हूँ। पहले पूरी घर की सफाई कर डालता हूँ, चकाचक बर्तन साफ कर देता हूँ और उसके बाद उनके उठने से पहले ही सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। यार आज पता चला कि मम्मी लोगों को कितना काम करना पड़ता है घर का। मम्मी उठे उससे पहले मैं उनके लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी का ना पिज्ज़ा बहुत फेवरेट है और मेरा पिज्ज़ा इसी के साथ ऑर्डर हो चुका है। ओपन इट, फर्स्ट कॉर्न पिज्ज़ा, सारी टॉपिंग्स डालेंगे और सेकंड हमारा टमेटो पिज्ज़ा एंड थर्ड कैप्सिकम पिज्ज़ा, फोर्थ अनियन पिज्ज़ा। और ये मम्मी को खिला रहे हैं। और आज मदर्स डे पे एक लाइन में बोलना चाहूँगा, मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूँ तेरा गुणगान, मैं अपने छोटे मुख से कैसे करूँ तेरा गुणगान, माँ तेरी ममता के आगे फीका सा लगता है भगवान। थैंक यू।